आज है 7 अक्टूबर 2020 और आज के दिन एसएससी ने एक साथ कई सारी अपडेट दिया है। यहाँ पे एसएससी के द्वारा बताया गया है कि कई एग्जाम जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग थे वो कब होंगे और इसके लिए आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो इस समय हम एसएससी की वेबसाइट पे हैं। वेबसाइट लिंक है ssc.nic.in। यहाँ पे आप अगर लेटेस्ट न्यूज़ में देखेंगे तो आपको 7 अक्टूबर के दिन की 3 नोटिस दिखेगी। यहाँ पे जब आप पहले नोटिस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी नोटिस है जिसमें बताया गया है कि ये नोटिस 29/9/2020 के अलग उन सभी कैंडिडेटों के लिए है जिनमें खांसी बुखार के लक्षण पाए जाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो नीट या फिर जेई का एग्जाम हुआ था वहाँ पे जो खांसी बुखार या फिर जिनका टेम्परेचर हाई है उनको एग्ज़ाम में बैठने की व्यवस्था नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनको बुखार भी होगा, कफ भी होगा, उनको अलग रूम में बैठाया जाएगा। ये कहा गया है एसएससी के द्वारा, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है सभी कैंडिडेटों के लिए। मतलब अगर आपको बुखार भी है तब भी आप कोरोना के चलते एग्ज़ाम से नहीं छटेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो दूसरी अपडेट है ये है सीजीएल के लिए, जिसमें सीजीएल के बारे में बताया गया है कि ये कब से कब होगा। और जो तीसरी नोटिस है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए तीसरी नोटिस, और ये जारी हुई है आज यानी कि 7 अक्टूबर 2020 को ही। इसमें देखिए कई एग्जामों को एक साथ बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है जो जेई का एग्ज़ाम है एसएससी 2019 का, इसमें जो सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का होता है, इसमें जो पेपर वन होना है ये 27 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में होगा। इसके अलावा जो जिन कैंडिडेटों का एग्ज़ाम सेंटर बिहार में है इनका जो पेपर होगा 11 दिसंबर 2020 को होगा। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो जिनका बिहार में जिन्होंने सेंटर लिया है बस उनका दिसंबर में जाएगा, उनको छोड़ करके बाकी कैंडिडेटों का इसी महीने में हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला एग्ज़ाम है ये है सीजीएल, और इसका टायर टू होना है, सीजीएल 2019 का है। यहाँ पे देखिए ये 2 नवंबर से लेके 5 नवंबर के बीच में होगा। और इसके अलावा ये जो कुछ इसमें से आगे भी बढ़ेंगे, यहाँ पे जो अगला है ये है द सिलेक्शन पोस्ट फेज 2020 के लिए, तो इसका भी 6 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में होगा। इनमें भी जो बिहार वाले कैंडिडेट हैं इनका दिसंबर में एग्ज़ाम भेजा गया है। इसके अलावा हम देखें स्टेनोग्राफर सी और डी ग्रेड का 2019 के लिए, तो इनका होगा 16 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक। इसके अलावा जो जूनियर इंजीनियर सिविल में सर्वेइंग वाले हैं इनका जो एग्जामिनेशन है इसमें जो पेपर टू होगा DES, ये 31/1/2021 को होगा। ये जो पेपर टू के बारे में बताया गया है, पेपर वन तो अभी होना है और जो पेपर बिहार वाले हैं उनका दिसंबर में होगा। तो आप देख सकते हैं, वैसे इस नोटिस का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दे देंगे, वहाँ जाकर आप नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।